तो दोस्तों अभी शाम हो गई है, ठंड भी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं एक स्मॉल अमाउंट में यानी 2 कप चिकन सूप विद एग, मतलब तो उसमें एग का और कटा करके फिर कैसे डालते हैं उन्हें आपको बना के दिखाऊंगा। और ये चिकन सूप बहुत ही हेल्दी होता है स्वास्थ्य के लिए, और ख़ासकर अगर देसी चिकन मिल जाए तो वाह क्या कहने। तो ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अदरक गार्लिक और चिकन को एक ही पानी में उबाल लिया जाता है, और उस पानी को छान लिया जाता है, और फिर हम चिकन के ऊपर के जो, अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो गोश्त, जो मांस होता है जो पक जाने के बाद हड्डी छोड़ देता है, उसको निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और फिर उसी को उस पानी में गार्लिक के साथ और फिर और खटा देते हैं। फिर हम जो ऊपर एग का जो रेसिड्यू बनता है और खटाने का, उसको हम यूज़ करके पानी में डाल करके, फिर चिकन क्यूब्स डाल करके और जो चिकन के रेशे होते हैं वो डाल करके फिर हम उसको पकाते हैं। फिर उसमें जो चाइनीज़ मसाले होते हैं, जैसे चाइनीज़ सॉल्ट हो गया, रेड चिली, ग्रीन चिली, सोया सॉस हमेशा याद रखिएगा सबसे लास्ट में डालना है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी सूप में अगर सोया सॉस का यूज़ हो रहा है, हॉट एंड सॉफ्ट में सोया सॉस लास्ट में पड़ेगा, ठीक है। तो और लौंग भी पड़ता है इसमें, तो और काली मिर्च। तो मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सूप। उसके लिए हमें चाहिए लौंग, अदरक और लहसुन, और चिकन को हम लोग पानी में बॉईल कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम चिकन के बोन्स से चिकन को अलग कर लेंगे। पानी में बॉईल होने के बाद हम चिकन को छान लेंगे। छानने के बाद चिकन कुछ इस तरीके से दिखेगा, और फिर हम इसमें से पूरा पानी ड्रेन आउट करके एक अलग बाउल में रख लेंगे। फिर हम लोग चिकन सूप के सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे। उसके बाद आप चिकन को चाहे तो इस तरीके से चाकू से स्मॉल क्यूब्स में भी काट सकते हैं, या इस तरीके से निकाल के अलग भी रख सकते हैं। अभी हम सबको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। फिर हम जो है गार्लिक को प्रेस करके इस तरीके से फाइन चॉप कर लेंगे चिकन सूप के लिए। दोस्तों, तो अब हम लोग लेंगे चाइनीज़ कढ़ाई में। तो अब हम लोग डालेंगे चाइनीज़ कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। अब हमने इसमें डाला लहसुन, इसको हल्का हाफ ब्राउन होने देंगे, गोल्डिश कलर आने देंगे। गोल्डिश कलर आने देने के बाद फिर हमने जो चिकन का पानी निकाला है वो हम इसमें डालेंगे। अब हमने डाल दिया इसमें चिकन का पानी, फिर एज इट इज वी नो हम इसमें हल्का सा सोंधा नमक और फिर अजीनोमोटो डालेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें क्रश किया हुआ गोल मिर्च जो है इसके ऊपर से डाल देंगे। फिर हम इस पानी को पकाएंगे। पानी को भी पकाने की विधि होती है कि लहसुन का पूरा एसेंस इसके अंदर आ जाना चाहिए। जैसे ही लहसुन का एसेंस पूरा इसके अंदर आ जाता है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि हम इसमें जो हमने पहले ही बनाया था फर्स्ट डे हॉट गार्लिक सॉस, वो थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। हॉट गार्लिक, देखिए फर्स्ट डे बनाया हुआ सॉस कितना यूज़ आ रहा है। हॉट गार्लिक सॉस मिक्स होते ही देखिए क्या कलर आ गया है हमारे चिकन सूप का। वी नो दैट कि चिकन सूप में है ये चाइनीज़, तो इसमें थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा रेड सॉस, थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस ये डलेगा। तो ज़रूरत के अनुसार हम
इसमें तीनों चीज़ों मिक्स करके इकट्ठे डाल देंगे। ये हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। सबसे एंड में कभी भी सोया सॉस ऐड करना है किसी भी सूप में, जैसे हॉट एंड सॉर हो गया तो सबसे एंड में सोया सॉस ऐड होगा, ठीक है, ताकि वो ऐसे इसको मेंटेन करेगा। एज वी नो दैट कि अब हमें इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन लाना है, तो हम इसमें अब अरारोट मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें ज़रूरत के अनुसार अरारोट डालेंगे। हल्का गाढ़ापन हो गया। अब मेरा कुछ दिमाग और दौड़ रहा है, मैं क्यों ना इसमें थोड़ा सा अंडा भी मिक्स कर दूं, तो और खटा करके मैं इसमें अब अंडा मिक्स कर रहा हूं। अब आप देखेंगे इसमें और खटाने के बाद जो ऊपर की लेयर होती है वो कितनी अच्छी छटके आ रही है और क्या गाढ़ापन आ रहा है इसमें, क्योंकि पानी पका हुआ है और वो इतना अच्छे से हमें दिख रहा है। अब आप देख रहे हैं एग की लेयर कितनी अच्छी लग रही है इसमें, इस हॉट एंड सॉफ्ट चिकन सूप में। तो ये चिकन सूप का एक टाइप है जिसमें हम एग भी मिक्स करते हैं और चिकन भी मिक्स करते हैं, चिकन के स्मॉल क्यूब सूप करते हैं। क्या टेस्ट है। तो मैं अब आपको करीब से दिखा रहा हूँ इसमें एग कैसा लग रहा है देखने में और चिकन कैसा लग रहा है। तो चिकन देखिए, मैं आपको चिकन क्यूब दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए चिकन क्यूब और ये रहा एग। तो एग की लेयर देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो अब हम लोग जा रहे हैं इसको टेस्ट करने।